हाय खाने के शौकीनों, कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहना। आज हम आपके लिए लाए हैं नई डिश करौंदा मिर्ची प्याज आलू की। हमने 15 से 20 मिर्ची ली हैं, इनको बीच में से काट लिया है। कटिंग आप जैसा भी करना चाहें, छोटी बड़ी आप वैसी कर सकते हैं। और हम करौंदे को भी काटेंगे, करौंदे के चार टुकड़े कर लें। इसके बाद हमने मीडियम साइज की एक प्याज ली है और मीडियम साइज का हमने आलू लिया है, उनको बारीक काट लिया है, बहुत बारीक नहीं काटना है। गैस को जला के कढ़ाई रखें, कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तेल गर्म हो जाए तो हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से चटकने लगे फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम आलू को डालेंगे। इसके बाद हम करौंदे मिर्ची को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करें, चलाएं थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए भूनें। भूनने के बाद फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। अच्छे से फ्राई कर लें। अभी अच्छे से भुन गई है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा भी आप कम ज़्यादा खाते हैं। अब हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम 1 चम्मच धनिया पाउडर को डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 से भी 1/2। अब हम सब मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे, 2-3 मिनट तक अच्छे से चलाते रहें। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 5-7 मिनट के लिए। अब हम देखते हैं आलू इसमें गले के नहीं गले, आलू हमारे गल गए हैं। अब हम इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। ये लो हमारी सब्जी तैयार, करौंदा मिर्ची की सब्जी तैयार। इससे भूख नहीं होने पर भी हम भरपेट खाना खा सकते हैं।